Hello students, today we are going to learn about signal instruments. So let's start. First है इसमें semaphore. Semaphore क्या होता है इसके बारे में जानते हैं. Semaphore was the first signal instrument invented about 200 years ago. Semaphore पहला signal instrument था जिसको invent किया था लगभग 200 साल पहले. A Frenchman created a signal with alphabets using different positions of human arm. Later on, this the instrument with two mechanical arms was placed on a top to send signals. Its speed was 90 times faster than horse rider. तो बच्चों इसका creation किसने किया था? एक Frenchman ने किया था जिसमें उसने alphabets को जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दिखाया हुआ है उनकी arms में human arms में जिस तरीके से दिखाया इस तरीके से बनाया था और फिर बाद में इसी का use करते हुए एक कुछ मैकेनिकल दो मैकेनिकल आर्म्स बनाए गए जिन्हें प्लेस कर दिया गया एकदम ऊंची सी जगह पर जिससे सिग्नल्स भेजे जा सकें ठीक है ताकि स्पीड में सिग्नल्स पहुंच सकें और ये जो था वो बहुत स्पीड में सिग्नल्स पहुंचाते था क्योंकि ये जो हॉर्स राइडर्स होते थे पहले आपको पता होगा कि जो घुड़सवार होते थे वो गांव में या शहरों में घूम घूम कर जो भी खबर थी उसे पहुँचाया करते थे लेकिन सेमाफोर की मदद से हॉर्स राइडर्स से 90 टाइम्स फास्टर स्पीड में सिग्नल को या किसी मैसेज को पहुंचाया जा सकता था ओके नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ रेलवे सिग्नल्स द रेल सिग्नल्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ फ्रॉम सेमाफोर और रेल सिग्नल जो थे वो भी सेमाफोर से ही की मदद से ही देख करके बनाए गए थे दिस इक्विपमेंट यूजेस डिफरेंट कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट्स विच आर यूज्ड टिल डेट इवन एज ट्रैफिक सिग्नल ऑन रोड्स और इस इक्विपमेंट का यूज़ करके इसमें अलग अलग कलर्स भी यूज़ किए गए जैसे कि आप ट्रैफिक लाइट भी बनाई गई और आप देखेंगे कि आज तक भी आप रोड में ट्रैफिक लाइट्स देखते होंगे अब आगे पढ़ते हैं टेलीग्राफ अबाउट 150 ईयर्स अगो इवन बिफोर द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ मशीन वॉज इन्वेंटेड तो चलिए बच्चों लगभग 150 साल पहले लाइट जब नहीं थी उससे भी पहले एक इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ मशीन पहली इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ मशीन इन्वेंटेड की गई मैसेजेस कुड बी सेंड थ्रू वायर्स ऑन टेलीग्राफ पोल्स दैट कैरी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स विद इन मूमेंट और जो मैसेजेस थे वो टेलीग्राफ में वायर्स की मदद से भेजे जाते थे और इससे जो था इलेक्ट्रिक सिग्नल बहुत ही कम समय में कुछ ही पलों में पहुंच जाया करता था मोर्स कोड इज़ द सिस्टम ऑफ डॉट्स एंड डैशेस जो मोर्स कोड था वो डॉट्स और डैशेस का सिस्टम था ठीक है डॉट तो आपको पता होगा जो हम डॉट लगाते हैं वैसे और डैशेस ये वाला ठीक है तो इनका सिस्टम था ठीक है प्रिपेयर्ड बाय सैमुअल मोर्स हैंस नेम्ड आफ्टर हिम और ये किसने बनाया था सैमुअल मोर्स ने बनाया था और इन्हीं के नाम पर इस सिस्टम का नाम रखा गया नेक्स्ट है टेलीफोन इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन वेयर ह्यूमन वॉइस ट्रेवल्स ऑन इलेक्ट्रिक वायर्स और यहाँ पर सबसे पहले 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंशन किया किसका टेलीफोन का जहाँ पर ह्यूमन की वॉइस जो थी वो इलेक्ट्रिक वायर्स पर ट्रेवल करती थी हिज फर्स्ट टेलीफोन कन्वर्सेशन ग्राहम बेल आस्क्ड His assistant who was in the adjacent room, Watson, come here. और उनकी सबसे पहली टेलीफोन पर जो कन्वर्सेशन थी वो क्या थी अलेक्जेंडर जो ग्राहम बेल थे उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा जो कि उनके साइड वाले रूम में बैठा हुआ था तो उन्होंने उसको बोला Watson, come here. फ़ोन पर इस तरीके से उन्होंने सबसे पहले बात की थी अब आगे है थॉमस एल्वा एडिसन मॉडिफाइड दिस इंस्ट्रूमेंट एंड इट बिकेम फेमस और फिर थॉमस एल्वा एडिसन ने इस इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया उसमें जो जो चेंजेस करने थे जो ठीक चेंजेस किए उन्होंने अच्छे से और फिर उसे फिर क्या हुआ ये फेमस हो गया एडिसन वॉज स्टार्टेड बाय सेइंग हेलो द ट्रेडिशन ऑन फ़ोन और एडिसन ने ही सबसे पहले हेलो बोला था फ़ोन पर जिससे कि अभी एक ट्रेडिशन बन गया और आज तक भी आप जब भी फ़ोन करते हैं या कोई फ़ोन करता है आपको तो आप सबसे पहले हेलो बोलते हैं अगर बोलते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए नेक्स्ट है आगे है नाउ अ डेज इवन पीपल लिविंग इंटीरियर ऑफ विलेजेस इन इंडिया कैन टॉक देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बाय टेलीफोन बूथ्स यूजिंग पब्लिक फ़ोन इन मॉडर्न डेज एट द रैपिड प्रोग्रेस हैज़ टेकन प्लेस इन दिस
field. Even in the villages, people have mobile phones in their hands. अब बच्चों, गांव में या भीतर गांव के बहुत ही अंदर भारत में बहुत सारे गांव में अब रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स से बात करने के लिए लोग टेलीफोन बूथ्स का यूज़ करते हैं, पब्लिक फ़ोन का यूज़ करते हैं. लेकिन साथ ही साथ इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई है इस टाइम पर कि अब सभी के हाथों में फ़ोन आपको देखने को मिल जाएगा, आप उनके हाथों में भी मोबाइल फ़ोनों को देख पाएंगे. नेक्स्ट है फैक्स. टेलीफोन हैज़ लेड टू मैनी अदर इन्वेंशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल फैक्स और फोटोकॉपी मशीन. टेलीफोन के साथ साथ और दूसरी इन्वेंशंस भी हुई, जैसे फैक्स और फोटोकॉपी मशीन की. वी कैन फैक्स एनी डॉक्यूमेंट, मैसेज और अ पिक्चर ऑन पेपर विद इन मिनट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. इसमें क्या है बच्चों, हम किसी को भी फैक्स कर सकते हैं कोई मैसेज या डॉक्यूमेंट या पिक्चर जो कि पेपर पर आ जाता है विद इन मिनट्स और डिस्टेंट प्लेस. मतलब किसी दूर जगह के भी अगर आपने फैक्स किया है तो उनकी जो फैक्स मशीन होगी उस पर वो प्रिंट होकर आ जाएगा. और ये किससे होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से. द रिसीवर एट द फैक्स मशीन इमीडिएटली गेट्स अ प्रिंट आउट फोटो कॉपी ऑफ द पेपर फैक्स. और जो भी आपने फैक्स किया होता है उनके पास भी मशीन होती है तो उसमें से तुरंत ही प्रिंट आउट निकल कर आ जाता है. The fax machine is attached to the telephone using the same telephone number as fax number. और fax machine जो होती है वो telephone से attached हो जाती है अगर हम same telephone number और fax number use करते हैं. Next है camera. Although the first camera was invented 150 years ago by a French Louis Daguerre, it came into use only after 50 years of its invention. और सबसे पहला कैमरे का इन्वेंशन लगभग 150 साल पहले किसने किया था, फ्रेंच लुई डागर ने किया था. और ये यूज़ में कब आया, इसके इन्वेंशन के लगभग 50 साल बाद. देन एन अमेरिकन जॉर्ज ईस्टमैन इन्वेंटेड अ कैमरा इन विच अ फिल्म रोल वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम. और तभी एक अमेरिकन व्यक्ति जो थे जॉर्ज ईस्टमैन, उन्होंने एक कैमरे का इन्वेंशन किया जिसमें फिल्म रोल का भी यूज़ किया गया था, पहली बार यूज़ किया गया था. ईस्टमैन कलर फिल्म्स वर आल्सो मेड, और उन्होंने कलर फिल्म्स भी बनाई थी. आगे है टुडे फोटोग्राफ इज़ यूज्ड एवरीवेयर लाइक इन आधार कार्ड, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड, बस पास, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा. और आजकल फोटोग्राफ हर जगह यूज़ होता है, जैसे आपके आधार कार्ड में, पासपोर्ट में, लाइसेंस में एट्सेट्रा, सभी जगह पर. वी क्लिक फोटोज़ ऑन बर्थडेज, मैरिज सेलिब्रेशन एंड वेकेशंस एट्सेट्रा. और हम इन अलग अलग जो ओकेजन्स आपको दिए हैं इसमें, इन सभी पर अपने फ़ोटोज़ भी क्लिक करते रहते हैं. कैन यू इमेज आ बुक विदाउट पिक्चर्स फोटोग्राफ, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं किसी बुक को विदाउट पिक्चर्स, मतलब जिसमें कोई पिक्चर ना हो, कोई फोटोग्राफ ना हो, तो सोचिए वो कैसी लगेगी. अब आगे पढ़ते हैं. दीज डेज द कैमराज आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी फिटेड ऑन द टॉप ऑफ क्रिकेट स्टैम्प्स और इन मोबाइल फोन्स. द कैमराज नो लॉन्गर रिक्वायर फिल्म रोल्स बिकॉज कंप्यूटर्स फिटेड इन दैम. अब देखिए बच्चों, आज के टाइम पर कैमराज जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और वो क्रिकेट के स्टैम्प से लेकर मोबाइल फ़ोन्स में भी फिट हो जाते हैं. और अब इन कैमराज को फिल्म रोल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनमें कंप्यूटर फिट होते हैं. अब आगे है रीड एंड मार्क टिक अगेंस्ट द राइट एंड रॉन्ग अगेंस्ट द रॉन्ग सेंटेंसेस. अब आपको यहाँ टिक राइट करना है. टेलीग्राफ वॉज द फर्स्ट सिग्नल मशीन, तो ये रॉन्ग है क्योंकि सेमाफोर है इसका आंसर. रेल सिग्नल्स वर डेवलप्ड फ्रॉम सेमाफोर. रेल सिग्नल किससे डेवलप हुए हैं, सेमाफोर से, तो ये है राइट. नेक्स्ट है अबाउट 150 ईयर्स अगो द इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मशीन वॉज इन्वेंटेड बिफोर द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आंसर सही है इसका. अब नेक्स्ट है द इन्वेंटर ग्राहम बेल स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ हेलो ऑन द टेलीफोन. नहीं, ये गलत है, इसलिए क्रॉस का साइन लगाएंगे. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे ड्रॉ करना है आपको टेलीफोन एंड मोबाइल, और यहाँ पर आपको बताना है हु इन्वेंटेड द फॉलोइंग, जैसे टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया है और कैमरे का इन्वेंशन किसने किया है. ये अभी मैंने आपको पढ़ाया तो आप इसे खुद से लिख लेंगे. सिनेमा. फोटोज टेकन इन सीरीज व्हेन सीन टुगेदर विद अ फास्ट स्पीड बिकम्स अ फिल्म. और अगर हम बहुत सारी फोटोज़ को स्पीड में देखेंगे तो वो एक फिल्म बन जाती है. ओल्ड मूवीज़ हैड नीदर साउंड नॉर वर कलर्ड. पुरानी फिल्में, उनमें ना ही साउंड होता था और ना ही कलर होता था, वो ब्लैक एंड वाइट होती थी. 1895 लुमियर ब्रदर्स स्क्रीन द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म इन पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस.
लुमियर ब्रदर्स ने सबसे पहली शॉर्ट फिल्म बनाई थी पेरिस में, जो कि कहाँ की कैपिटल है, फ्रांस की। विद इन 3 ईयर्स शॉर्ट फिल्म वर मेड इन मुंबई एंड कोलकाता इन इंडिया। और उसी के लगभग 3 सालों में शॉर्ट फिल्म्स कहाँ पर बनने लगी थी, मुंबई और कोलकाता में, इंडिया के जो बड़े शहर हैं वहाँ पर। अब आगे है, धुंधीराज गोविंद फाल्के और दादा साहब फाल्के वॉज द फर्स्ट इंडियन मेड द फर्स्ट साइलेंट मूवी राजा हरिश्चंद्र अबाउट 86 ईयर्स अगो। और धुंधीराज गोविंद फाल्के, और इन्हीं का ही नाम दादा साहब फाल्के भी कह सकते हैं आप, वॉज द फर्स्ट इंडियन मेड द फर्स्ट साइलेंट मूवी। इन्होंने पहली साइलेंट मूवी यानी कि मूक फिल्म बनाई थी, जिसका नाम क्या था, राजा हरिश्चंद्र अबाउट 86 ईयर्स अगो, लगभग 86 साल पहले। इन 1930 अंद्रेशिर ईरानी मेड फर्स्ट इंडियन टॉकीज और स्पीकिंग फिल्म आलम आरा। और 1913 में अर्देशिर ईरानी ने पहली बोलती फिल्म बनाई, जिसका क्या नाम था, आलम आरा। ठीक है, आगे है, टुडे इन इंडिया द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फिल्म्स आर मेड ऑन इन लेस देन 100 ईयर्स। इंडियन प्रोड्यूसर्स हैव मेड अबाउट 29,000 फिल्म्स। और लगभग 100 सालों से कम समय में ही इंडियन प्रोड्यूसर ने 29,000 से भी ज़्यादा फिल्में बनाई, और आज इंडिया सबसे ज़्यादा फिल्में बना रहा है। अब आगे जानते हैं बच्चों, टेलीविज़न। टुडे इट इज़ पॉसिबल टू सी ऑन टेलीविज़न स्क्रीन अ लाइव टेलीकास्ट और अ रिकॉर्डेड प्रोग्राम विद साउंड इवन फ्रॉम अ रिमोट प्लेस। और आज के समय में बच्चों, हम टीवी में लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो या फिर रिकॉर्डेड प्रोग्राम हो, दोनों को ही टीवी में साउंड के साथ सुन सकते हैं। अबाउट 70 ईयर्स अगो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन स्टार्टेड द फर्स्ट टेलीविज़न सर्विस इन द वर्ल्ड। और लगभग 70 साल पहले ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने पहले टीवी सर्विस का स्टार्ट किया था। टुडे अ फुटबॉल मैच बींग प्लेड इन ब्राज़ील कैन बी सीन ऑन द टेलीविज़न इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज अगर कोई फुटबॉल गेम ब्राज़ील में खेला जा रहा है, तो उसे टीवी पर दुनिया के किसी भी हिस्से में देखा जा सकता है। इन इंडिया टेलीविज़न वॉज स्टार्टेड इन 1950। इंडिया में कब स्टार्ट हुआ है ये, 1959 में। देन 3 प्रोग्राम्स वर टेलीकास्टेड इन अ वीक। और उस टाइम पर सिर्फ 3 प्रोग्राम दिखाए जाते थे एक हफ्ते में। अप टू 1975 टेलीविज़न सेंटर्स वर ओनली इन 6 सिटीज़। और उस टाइम पर लगभग 1975 तक कितने टेलीविज़न सेंटर्स थे, सिर्फ 6 शहरों में ही थे। इन 1982 द कलर टेलीविज़न केम इन टू यूज़। और 1982 तक कलर टेलीविज़न लोगों के इस्तेमाल में आ गया। अप टू 1988 दूरदर्शन रीच्ड अप टू 87% ऑफ पॉपुलेशन। और क्या हुआ, लगभग 1988 के टाइम तक दूरदर्शन जो था वो 87% लोगों तक पहुंचने लगा था, इंडियन लैंग्वेजेस में, वो भी भारत की जो अलग अलग भाषाएं हैं उनमें पहुंचने लगा था। अब आगे है, टुडे प्राइवेट टेलीविज़न कंपनीज हैज़ देयर ओन 24 आवर्स चैनल। और आज प्राइवेट टेलीविज़न कंपनीज के 24 घंटे चलने वाले अपने खुद के चैनल हो आ गए हैं। अब आगे है, रेडियो। टुडे रेडियो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आर होम विच कैन रिसीव द वॉइस सिग्नल्स विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स। और जो रेडियो है वो भी हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे घरों में, और इसमें जो है वॉइस सिग्नल्स आते हैं बिना तारों की, विदाउट द हेल्प ऑफ वायर्स, बिना तारों की मदद के। इन 1927 रेडियो ब्रॉडकास्ट वॉज स्टार्टेड बाय प्राइवेट कंपनीज इन इंडिया। 1927 में रेडियो ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था प्राइवेट कंपनियों के द्वारा भारत में। सून ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड द ट्रांसमीटर्स विच कॉल्ड ऑल इंडिया रेडियो। और फिर उसके कुछ समय बाद ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया रेडियो स्टार्ट किया। आफ्टर इंडिपेंडेंस AIR was given the new name Akashvani. Do you know that all Indian languages programs were telecasted by AIR? और आप जानते हैं कि अब इंडिया की सभी भाषाओं में AIR पर सभी भाषाओं में प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, वो सुनाए जाते हैं। अब आगे है, इंटरनेट। टुडे कंप्यूटर्स आर चीपेस्ट फास्टेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। और आज के समय में कंप्यूटर बहुत ही सस्ता और बहुत ही तेज
चलने वाली मशीन है जो कि कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। कंप्यूटर नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट वॉज इन्वेंटेड 30 years ago इन USA। और इंटरनेट का इन्वेंशन कब हुआ था? लगभग 30 साल पहले USA में। कंप्यूटर कन्वर्ट्स द इन्फॉर्मेशन इंटू स्मॉल पार्ट्स वाइल सेंडिंग ऑन इंटरनेट। और कंप्यूटर किसी भी इन्फॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देता है जब वो इंटरनेट के माध्यम से किसी में भेज रहा होता है। दीज स्मॉल पार्ट्स आर सेंड टू अनदर कंप्यूटर वेयर द कलेक्ट दीज पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। और इसे दूसरे कंप्यूटर में भेजा जा सकता है जो उसे कलेक्ट कर लेता है। टुडे वी कैन सेंड रिटन मैसेजेस फोटोग्राफ्स वॉइस मैसेजेस और इवन इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल। और आज हम कंप्यूटर से रिटन मैसेजेस फोटोग्राफ वॉइस मैसेजेस या फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल भेज सकते हैं। इफ़ यू हैव अ साइबर कैफ़े और इंटरनेट बूथ नियर योर हाउस देन गो देयर एंड सी हाउ द पीपल सेंड और रिसीव द मैसेजेस। और अगर आपके घर के पास कोई साइबर कैफ़े है या इंटरनेट बूथ है तो आप वहाँ जाइए और वहाँ पर ये देखिए कि किस तरह से लोग एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं और कैसे वो मैसेज उन तक पहुँचता है। एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876। टेलीफोन का इन्वेंशन किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कब? 1876 में किया था। नेक्स्ट है, वायरलेस सिग्नल्स आर यूज टू सेंड मैसेजेस बाय टेलीफोन। और टेलीफोन के थ्रू वायरलेस जो सिग्नल्स होते हैं उनके थ्रू टेलीफोन से मैसेजेस भेजे जाते हैं। थर्ड है, जॉर्ज ईस्टमैन इन्वेंटेड द फर्स्ट कैमरा इन विच फिल्म रोल वॉज यूज। और जॉर्ज ईस्टमैन ने पहला कैमरा इन्वेंटेड किया था जिसमें फिल्म रोल का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है, ल्यूमियर ब्रदर्स मेड फर्स्ट फिल्म। और ल्यूमियर ब्रदर्स ने पहली फिल्म का निर्माण किया था। अब आगे है, ई दादा साहब फाल्के वॉज फर्स्ट इंडियन हु मेड फर्स्ट साइलेंट फिल्म। धुंधीराज गोविंद फाल्के या दादा साहब फाल्के दोनों नाम में से कोई एक नाम लिख सकते हैं जिन्होंने सबसे पहले इंडिया में फिल्म एक साइलेंट फिल्म बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड। जी है, थॉमस एल्वा एडिसन वॉज फर्स्ट पर्सन से हेलो ऑन टेलीफोन। और थॉमस एल्वा एडिसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने टेलीफोन में सबसे पहली बार हेलो बोला था, जो आज तक ये परंपरा चली आ रही है। अब देखिए, व्हाट इज़ टेलीविज़न? ड्रॉ द पिक्चर ऑफ टीवी। आपको यहाँ पर टेलीविज़न के बारे में लिखना है और उसका पिक्चर ड्रॉ करना है। मैच द फॉलोइंग। टेलीफोन, इसका आंसर है अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ने इसका इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट है, मोर्स कोड, ये किसके नाम पर रखा गया? सैमुअल मोर्स के। नेक्स्ट है, रेल सिग्नल। रेल सिग्नल किससे इन्वेंटेड हुआ था, किससे डेवलप हुआ था? सेमाफोर से। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी इसका आंसर है पोस्टल स्टैम्प्स, इन पर इनका फोटो लगा होता था। उड़ीसा, तो इसका आंसर है पिजन पोस्टल सर्विस, क्योंकि उड़ीसा में अभी भी पिजन के द्वारा पोस्टल सर्विसेज में पिजन का यूज़ भी किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियाँ वगैरह भेजने के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।